रायबरेली के महाराजगंज ब्लॉक कांग्रेस कार्यालय पर प्रियंका गांधी के जन्म दिवस के अवसर पर कांग्रेस पार्टी द्वारा कार्यकर्ताओं पदाधिकारियों के साथ साथ उपस्थित पात्र लोगों को निःशुल्क कंबल वितरण का आयोजन किया गया। कंबल वितरण के उपरांत सैकड़ों की संख्या में उपस्थित लोगों को संबोधित करते हुए बछरावा विधानसभा से कांग्रेस पार्टी के कोऑर्डिनेटर मनोज यादव ने राष्ट्रीय महासचिव व उत्तर प्रदेश की प्रभारी प्रियंका गांधी के जन्मदिन के मौके पर सभी को बधाई देते हुए रायबरेली के जन जन को रायबरेली का सांसद बताया है। एसके इंडिया न्यूज के लिए रायबरेली से रजनीकांत अवस्थी की रिपोर्ट। बछरावा विधानसभा में इस बार हम सब संकल्प लेते हैं कि कांग्रेस का ही विधायक होगा। इन्हीं शब्दों के साथ मैं चाहूंगा कि हम सबका आज कई साल से नेतृत्व दे रहे हैं, अपना प्यार इसलिए दे रहे हैं, कांग्रेस के झंडे के नीचे रहते हुए भी एक पारिवारिक सदस्य के रूप में जो हम आप सबको ऊर्जावान करते हमारे भाई मनोज यादव जी, मैं आपसे भी निवेदन करता हूं कि आप भी अपने विचार और शुभकामनाएं हम सबको दें भाई मनोज यादव। मैं अपनी बात को वहीं से शुरू करता हूं जहां कृपा शंकर शर्मा जी ने अपनी बात को खत्म किया। वो कुछ शब्द बोले और फिर बोले एडवांस में बोल गए। चलिए मन के भाव हैं, इनको रोकना भी नहीं चाहिए, लेकिन एक चीज मैं आपसे कहता हूं कि नेता और विधायक एमएलए में फर्क होता है। ये जरूरी नहीं कि किसी को परिस्थिति काल समय नेता विधायक सांसद या मुख्यमंत्री बना दे, वो बन सकता है किसी परिस्थितियों में, लेकिन जरूरी नहीं कि वो नेता भी बने। और नेता बनने के लिए ये जरूरी नहीं कि वो विधायक एमएलए हो या सांसद हो। मुझे एक बड़े नेता का कथन याद आता है, उसने एक बार कहा था किसी के लिए कि इंदिरा जी मेरी नेता है, तो किसी ने कहा था उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री तो फलाने सिंह है, उन्होंने कहा समय परिस्थिति ने उसको बना दिया लेकिन नेता तो मेरी वो है। तो नेता तो कोई भी हो सकता है शर्मा जी, जिसमें ये क्षमता है साथ लेने की, साथ चलने की, सुख दुख में खड़े होने की, तो उसको किसी चीज का या किसी पद का मोहताज नहीं होता वो आदमी। 5 साल आपके बीच में रहता है चाहे वो कुर्सी पे हो या ना हो, एक बात। दूसरी बात, जैसा सुशील भाई ने बताया अभी कि एक नियुक्त परिवर्तन वाली नेता है जिनके साथ हमें बड़ा गौरवान्वित महसूस करते हैं आते हुए, उन्हीं नेता ने एक पारखी नजर से उत्तर प्रदेश में आपके बीच में से एक आपके प्रिय साथी को, सुशील पासी जी को, उत्तर प्रदेश कांग्रेस कमेटी का सचिव अपने साथ लगाया है। और ये बड़े गौरव की बात है मेरे लिए भी कि मेरी विधानसभा से, इस उत्तर प्रदेश से, गाजियाबाद से गोरखपुर तक के बीच में अगर 40 लोगों को कहीं स्थान मिला है तो उसमें एक बछरावा विधानसभा के सुशील पासी जी। और ये कहने में या ये विश्वास मांगने में अगर मैं कहूँ तो अतिशयोक्ति होगी कि सुशील भाई उनकी जो उन्होंने प्रियंका जी ने इनके बारे में सोचा है, जो प्रियंका जी की नीतियाँ उस पर खड़े उतरेंगे, ये सवाल ही नहीं पैदा होता, क्योंकि ये जांचे परखे हैं, इनको इसीलिए मौका दिया गया। और ऐसी विकट परिस्थितियों में जब देश गुजरना है तो ऐसे ही नौजवानों की जरूरत है। आज आदरणीय प्रियंका जी का जन्मदिन है, इसको आप लोगों को समझना पड़ेगा कि उत्तर प्रदेश में प्रियंका जी अगर लड़ रही है, जगह जगह जा रही है, और आज अखिलेश भी चुप बैठे हैं, मायावती भी चुप बैठी है, केजरीवाल भी चुप बैठा है, तो अकेले प्रियंका गांधी लोहा ले रही है। अगर मैं ये चीज करता हूँ, मैं सोचता हूँ प्रियंका गांधी में ये ऊर्जा कहाँ से आई है, तो फिर मैं पीछे 70 साल पहले जाता हूँ, दो जब प्रियंका जी का जन्म हुआ था 1972 में, उससे 70 साल पीछे मैं जाता हूँ तो देखता हूँ कि 1902 के अंदर एक युवा नौजवान की मृत्यु हुई थी, और हिंदुस्तान को उस युवा नौजवान जो 39 साल की उम्र में हिंदुस्तान से चला गया था, अधूरे सपने रह गए थे उसके युवाओं के लिए, देश के लिए, तो मुझे लगता है कहीं ना कहीं उसके विचारों ने करवट ली। और वो 70 साल बाद, जैसा हम दुर्गा सप्तशती में पढ़ते हैं कि समस्त देवों से किरण निकली और उससे देवी प्रकट हुई, हम यही पढ़ते हैं दुर्गा सप्तशती में, तो मुझे लगता है जितने महान भाव हुए हिंदुस्तान के अंदर, विचारक हुए, उनके विचारों ने कभी एक स्थान लिया तो वो 1972 में प्रियंका गांधी के रूप में हिंदुस्तान को मिला, क्योंकि 70 साल पहले एक हिंदुस्तान की उम्मीद थी, युवाओं की ऊर्जा सुमति स्वामी विवेकानंद, जिनकी मृत्यु हो गई थी
युवाओं के लिए, हिंदुस्तान के लिए उनके कुछ सपने थे जो 1904 में आकस्मिक मृत्यु के बाद पूरे नहीं हो सके, लेकिन वही प्रियंका गांधी युवाओं की दोबारा ऊर्जा और शक्ति बन के आई है। वो भी 12 जनवरी को पैदा हुए थे, ये भी 12 जनवरी को ही पैदा हुई। अब मैं आता हूँ कि तमाम अपने साथियों को मैं धन्यवाद देता हूँ कि आप लोग दिल्ली गए। दिल्ली जाना सिर्फ एक सामान्य, हमारे लिए एक सामान्य कार्य नहीं था दिल्ली जाना, या सिर्फ दिल्ली जाके आना एक नहीं था, ये था कि हमें वो शक्ति प्रकट करनी है, वो भाव प्रकट करना है रामलीला मैदान में जाके, विकट परिस्थितियों में, विपरीत मौसम में, विपरीत हालातों के अंदर आप लोग गए। 5000 लोगों को यहाँ से जाना, सोनिया जी का और प्रियंका जी का, उनका मनोबल बढ़ाना था, प्रियंका जी का, आप लोगों का जाना, उसमें एक एक आदमी का बड़ा महत्व था, एक एक साथी का बड़ा महत्व था, जो उस समय में मुझे अच्छी तरह याद है, शर्मा जी से मेरी सुबह बात हो रही थी, मौसम हमारे अनुकूल बिल्कुल नहीं था, लेकिन आपके हौसलों के सामने मौसम को भी पस्त होना पड़ा, घुटने टेकने पड़े, और लगभग 5000 की ताकत में हम लोग दोबारा रामलीला मैदान में जाते, हुंकार भरी, और उसी हुंकार की शक्ति थी जो प्रियंका जी ने वहां से ली और पूरी यूपी में निकल पड़ी एक सामाजिक युद्ध के लिए। अब मैं चाहता हूं कि अगर वो सामाजिक युद्ध के लिए जाती हैं तो उन्हें समय नहीं मिल पाता अपने लोगों के बीच में, अपने परिवार के बीच में, अपने घर के सदस्यों के बीच में, तो ये आपकी जिम्मेदारी बनती है। कहीं आपकी नेता अगर समय में नहीं आ पाती है, आप लोग क्षेत्र के लोगों के बीच में जाइए, उनका प्रतिनिधित्व करिए। यहाँ सोनिया गांधी और प्रियंका गांधी इसलिए नहीं आती कई बार कि उनको पता है कि मेरे प्रतिनिधि के रूप में वह कृपा शंकर शर्मा बैठे हैं, वह इशाद बैठे हैं, वह रामचंद्र बैठे हैं, वह दिनेश बैठे हैं। जब इतने महान योद्धा यहाँ बैठे हैं तो इसीलिए आपकी शक्ति के ऊपर वो पूरे प्रदेश में, और मैं कहता हूँ आने वाले टाइम में पूरे देश में, रायबरेली का जो परचम आप लोग लहराते हैं, उसी शक्ति के बल पर प्रियंका जी पूरे हिंदुस्तान में परचम लहराएंगी। और फिर मैं एक बार आपको धन्यवाद देना चाहता हूँ कि आप लोग बड़ी संख्या में आए, जितनी हमने उम्मीद करी थी, जितने संसाधन थे वो कम पड़ गए थे हम लोगों को आखने के लिए, और ये आवाज बार बार उठ रही है कि दोबारा ऐसा कोई प्रोग्राम बने कि जिसमें फिर हम लोग हुंकार भरे। और मैं उम्मीद करता हूँ, जैसे मेरे अभी साथियों ने बोला कि 2022 में उत्तर प्रदेश के अंदर कांग्रेस को कोई अब बिल्कुल भी, जिसे एक शब्द होता है कि नेगलेक्ट नहीं कर पाएगा, कांग्रेस को कोई हल्के में नहीं ले पाएगा, और उम्मीद दिलाता हूँ कि आने वाला साल आप लोगों का होगा। जो 89 से पहले हम किस्से कहानियाँ आप लोगों के माध्यम से सुनते थे कांग्रेस की, वो अब देखना इस युवा पीढ़ी को भी नसीब होगा, लेकिन उसके लिए मेहनत करनी पड़ेगी। 2022 तक हमें जिद्दोजहद से मेहनत करनी पड़ेगी, तभी हम उस परिणाम की तरफ पहुँचेंगे। धन्यवाद। और सोचने लोग जो होते हैं, आज फिर हम सबको एक अवसर मिला, आप एक महान महापुरुष का नाम लेकर के और हम लोगों को ऊर्जावान किया। इसी धरती पे आदरणीय स्वामी विवेकानंद जी हुआ करते थे। 38 साल की उम्र में उन्होंने अपना एक इतिहास रचा और आज